नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय न्यूज क्लिक की टीम के साथ मैं खड़ी हूं उत्तर प्रदेश के मलियाना में। मलियाना भारतीय इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसा कलंक है जिसने आज भी यह बताया है कि जब जुल्म मुसलमानों के ऊपर होता है और जब सत्ता यह कत्लेआम अपने संरक्षण में कराती है, तब तमाम प्रणालियां ध्वस्त हो जाती हैं। तमाम प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री, सारे लोग मलियाना आ चुके, यहां पर आश्वासन दे चुके पिछले 35 सालों में, लेकिन आज तक एक भी परिवार दोबारा कायदे से बस नहीं पाया है। पैंतीस साल पहले 23 मई 1987 दिन था, हफ्ता, शनिचर, सुबह 9-10 बजे तक ऐसा कुछ नहीं था जो कि ऐसा लग रहा हो कि कुछ होवेगा, क्योंकि यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। तो ऐसा माहौल वैसा तो था, शहर का असर तो था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ कुछ होगा। 1 या 1.5 का बीच होगा, मैं नमाज के जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो जब घर से बाहर निकला तो पीएससी चौक में आ चुकी थी हमारे महल्ले में, और उस पीएससी ने आते ही उन्होंने मारना, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तकरीबन 20-22 आदमियों को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ कर ले जाने लगे। लोगों ने उनसे बात की, रोकना चाहा, तो उन्होंने जो है उन पर भी बजाना शुरू कर दिया, अंधाधुन बजाना शुरू कर दिया। यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, यहाँ तो सीधा सीधा हमला हुआ। जब मैं गोली लगी तो मैं अपने घर की छत पर जीने के ऊपर चढ़ के देखने के लिए जा ही रहा था, जो जीने पे पहुँचा तो पहुँचते ही मेरे जो है ये गोली लगी। इतना बड़ा बच्चा था मेरा जो आग में डाल के जलाया। किसका बच्चा था? मेरा बच्चा था, और पता नहीं क्या साल का था, इतना बड़ा था। अब हमारा तो भैया याद नहीं क्या साल का था। बेटा कहाँ था? बाहर खेल रहा था? नहीं, वो जब लूट मार करके आए वो छतों पे को, तो हम इस घर में घुस गए थे। जो सामने वाला घर बना हुआ नहीं था, अब बनाए बाद में, फिर इसमें कोई हमने घर फोड़ कर बाहर निकल गए चौक में। अब वो बच्ची से हाथ छुटा कर वो अपनी गली में आ गया बच्चा, उसे उठा के आग में डाल दिया। कुछ मुआवजा मिला आपको? मुआवजा मिला था 20-20 2 दफे 20-20 हजार रुपए। एक जीएल श्रीवास्तव कमीशन बना था, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी थी, उसका क्या हुआ आज तक हमको नहीं मालूम। और इसका फायदा सियासी पार्टियों ने खूब उठाया, ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी ने उठाया। आज़म खान साहब हमेशा से ही जब भी अपनी तकरीरें करते थे चुनाव के दौरान, वो हमेशा मलियाना और हाशमपुरा का जिक्र ज़रूर करते थे। और कई बार आज़म खान साहब यहाँ पर, जब उन पर पाबंदी लगी हुई थी यहाँ पर आने पर, वो कई बार मलियाना आए, उन्होंने कई बार यकीन दहानी दिलाई कि साहब आपके साथ इंसाफ होगा और हम करेंगे। 89 में जब जनता दल की सरकार आई यूपी में, आज़म खान श्रम मंत्री बने, तो हम उनसे मिलने गए थे। तो हमने कहा सर आपने इतने वादे किए थे सबके, मलियाने के दोषियों को सज़ा देंगे, और अब आपकी सरकार आ गई, आप मंत्री बन गए तो कुछ करिए। तो उन्होंने मुझसे कहा था, कहने लगे यार सलीम भाई अब छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, अब क्या रखा, अब आगे देखिए। अभी फ़ोटो नहीं दिखाई देती हैं मलियाना में, इतने लोग मारे गए, 72 के करीब मौतें हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों है कि फ़ोटो नहीं है? देखिए जिस वक्त ये सब हादसा हो रहा, तो एक अमर उजाला के फोटोग्राफर थे, अभी भी हैं, मुन्ना नाम है उनका, तो उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें तब खींची थी जब यहाँ पर सब लोग थे, जमा थे, और उन्होंने और भी तस्वीरें खींची थी। लेकिन जब रात हुई तो उसकी फ्लैश की लाइट जो है कैमरे की, वो किसी अधिकारी ने देखी और उसको पकड़ के उसका कैमरा उन्होंने जब्त किया, उसकी रील निकाल के नष्ट कर दी थी। तस्वीरें बाद में भी खींची, जो मकान जले हुए थे, जो ज़ख्मी थे, वो थी, तस्वीरें भी थीं और निगेटिव भी थे। लेकिन जो जी एस श्रीवास्तव कमीशन यहाँ पर आया था, तो उसने वो सब तस्वीरें मैं निगेटिव के अपने पास जमा करा ली थी।
35 साल बहुत बड़ा अरसा है। परिवार खोने के बाद मेरे परिवार में 11 लोग थे, जिसमें हमारे दादाजी, हमारे मम्मी पापा, भाई बहनें, छोटे भाई की शादी थी, 3 दिन बाद शादी थी और पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद हो गया, उजड़ गया, कुछ नहीं बचा। जो मकान है उसके बारे में भी ये जानकारी मिलती है कि जिसका मैं हाउस टैक्स अपने दादाजी के नाम से जमा करके आता था नगर निगम मेरठ में, आज पता लगता है कि दूसरे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये 35 साल मेरे गुजरे हैं गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद ज़िले में मेरी ससुराल है, पास के गांव भिक्कनपुर में। तो हम गाज़ियाबाद में ही अपना या मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पाले, हम यहीं पे हैं। आपकी उम्र कितनी थी जब ये वाक़या हुआ और आप वापस अपने घर क्यों नहीं गए? घर में कुछ बचा ही नहीं था, ना सामान था, ना कोई परिवार का मेंबर था, सब कुछ जला दिया था उन्होंने मकान को, पूरे परिवार को कत्ल करने के बाद मकान का सब सामान लूट लिया और चलते चलते आग लगा दी उन्होंने। उसमें कुछ था ही नहीं, रहते कहाँ, किसके घर जाके रहते, अपना कोई कुटुंब नहीं, ख़ानदान नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं। आपको क्या लगता है कि हाशिमपुरा में तब भी न्याय आ गया, 2015 में फैसला आ गया, इसमें नहीं आ पाया, कोई कारण आपको लगता है? बगल बगल की जगहें हैं, एक ही ढंग की घटना है, एक ही दिन के अंतर में घटना है। हाशिमपुरा से पहले नाम लिखा जाता है मलियाना हत्याकांड, और वही मलियाना अंधेरे में है। कुछ बहुत खौफनाक वाकया था, मुझसे नहीं बताया जाने का। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, आज मैं बिल्कुल ये हकीकत बात बता रहा हूँ। जब सुबह हुई थी तो सलीम साहब से उन्होंने FIR लिखवाई। कहाँ लिखवाई? अंदर को ले जाके, हम तो बेहोशी की हालत में तैयार थे, और मेरे अंगूठे लगवाए थे। मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा था। उन्होंने 93 हिंदुओं के खिलाफ FIR करी, जिसका मुझे बाद में पता लगा, 3-4 महीने के बाद पता लगा कि FIR तूने कराई। अब कचहरी में उनकी अदालत लगी, हम वहाँ गए 5-6 महीने, जने 1 साल के बाद नहीं पता, जब मैं कुछ सही सा हो गया था तो वहाँ गए, वहाँ भी बयान दर्ज हुए हमारे बहुत सारे, जब तक भी FIR थी। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट 10 साल तक हमें नहीं, यानी आज तक वो रिपोर्ट ही नहीं साया करी गवर्नमेंट ने। 10 साल के बाद वो मुकदमा चला तो हमारे पास समझ आए, हम अदालत पहुँचे, भई आप अपनी गवाहियाँ पेश करो। अब वहाँ देखा तो अपोजिशन के जो वकील थे उन्होंने कहा भाई फर्स्ट FIR तो है ही नहीं, बयान कहाँ के। मेरे हैं उनकी सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सब कुछ है उनके पास तो, लेकिन इंसाफ कुछ नहीं मिल रहा बस ये है। आपने गवाही दे दी है, कब आपकी गवाही हुई? करीब हो गए लॉकडाउन से पहले 2.5 साल करीब हो गए गवाही। कहाँ कहाँ गवाही हुई आपकी? मेरठ कोर्ट में। कितनी लंबी प्रक्रिया चली और आपने क्या क्या बताया, और कुछ वहाँ से पता चला कि आपके साथ साथ कितने और लोगों ने गवाही दी है? हाँ, काफी लोगों की हो गई गवाही, वकील की भी हो गई, और लोगों की भी हो गई, मेरी भी हो गई, जिरह वगैरह सब कुछ हो गया। जिरह से क्या लग रहा था? नहीं, जिरह से तो ये लग रहा था कि वो लोग घबरा रहे हैं उनके वकील, क्योंकि इतनी अच्छी मेरी गवाही हुई कि वो वकील ही घबरा गया उनका, दंगाइयों का जो वकील था, पैरवी कर रहा था। अदालत चूंकि वो लोकल लोग हैं और अदालत में भी लोकल मुलाजिम है, और जो ये मामला यहाँ पर तय नहीं हो सकता। अगर हाशिमपुरे का भी अगर मेरठ में या वहाँ पर होता तो शायद ये तय ना होता। दिल्ली की अदालत ने उसे सुनवाई की और इंसाफ मिल गया। यहाँ पर इंसाफ मिलने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोकल वकील और लोकल का वो जो अदालत का जो मामला है उसकी वजह से वो टलता है, और वो किसी न किसी बात पर टालते रहेंगे,
और मुलजिम जो है वो मरते रहेंगे, गवाह मरते रहेंगे, मुकदमा अपनी जगह ख़त्म हो जाएगा जी। तो आपका मानना है कि मलियाना को भी, मलियाना केस को भी दिल्ली जाना चाहिए? हाँ, मेरी, मैं यही समझता हूँ अगर इंसाफ होना है तो यहाँ नहीं हो सकता, उम्मीद कम है। बताएं कि आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं 2022 में, 35 साल हो गए इसको, अब आपको क्या दिखाई देता है कि कुछ सुरंग से बाहर निकलेगा ये मामला, कितने दिन और चलेगा? कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी जज बैठ जाए आकर वो कुछ ना कर सकेगा। जितने मुलजिम बच जाएंगे उनको सज़ा होगी, उसकी वजह ये है 36 पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगी हुई है फाइल पे, किन्ने मार 36 कौन किन्ने मार दिया बताओ, आप बता दो हमें भाई, 36 पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं ऑन फाइल, वो आदमी जो मरे हैं ना फिर किन्ने मारे? चलो हम, हमारे दो वो थे, एक बात तो ये थी कि पुलिस ने भी किया, पीएसी ने मारे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं हमने, इन्होंने नाम लिए हैं कि वो बलवाई थे और वो उनके गांव के ही थे जिनके नाम लिए इन्होंने, ये कैसे बच जाएंगे? अरे घर में घुस के तलवार से उसका पेट काट दिया, शाहना का, शाहना ही नाम है मेरे तो अब तक भी याद है, 35 साल भी। तो आपको लगता है कि सुरंग से बाहर निकलने की संभावना है इस केस की? देखो जी, अगर ये ऐसी ही पड़ी रही तो सुरंग में है, सुरंग में रहेगी, लेकिन अगर इसको निकालना चाहेंगे तो निकलेगी तो सही। 35 साल बाद मलियाना के सुलगते सिसकते जख्मों को याद करना सिर्फ मुसलमानों पर हुए हिंसा को याद करना नहीं है, यह याद करना है कि भारतीय लोकतंत्र जब हिंसक होता है और किस तरह से यह जो सिलसिला है, जब सत्ता हमलावर होती है, जब सरकार जुल्म करती है, तब बाकी सारी चीज़ें, सारे इंसाफ के दरवाजे एक एक करके किस तरह से बंद होते हैं, और सत्ता का जो पैट्रोनेज है दंगाइयों के लिए, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए, उसकी कहानी कितनी पुरानी है, यह मलियाना आज भी हमें याद दिला रहा है, और ख़ास तौर से इसलिए और ज़्यादा यह जख्म हमारे सामने तरोताज़ा है क्योंकि आज 2022 में हमारे इर्द गिर्द देश की राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी हो, बिहार हो, हर जगह सत्ता मलियाना दोहरा रही है पूरी बेशर्मी के साथ और पूरी नंगई के साथ, और हर मामले में इंसाफ मिलना दूर, बल्कि जो विक्टिम है, जो सताया हुआ है, उसे ही सलाखों के पीछे डालने तक पहुंच चुकी है भारत की सत्ता।